गाइस नमस्ते, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है छोटी दिवाली, तो चलिए छोटी दिवाली की बहुत सारी तैयारियां है तो करते हैं स्टार्ट। वैसे सबसे पहले आज सुबह सुबह तानों के साथ हो रहे अत्याचार, सुबह सुबह अत्याचार हो रहे हैं। गाइस अभी बजे हैं दोपहर के 1:45 और आज भी खाना लेट बन रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है। वैसे दाल भात मेरा बन चुका था, बस मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ, अभी इसको ना मैं राई डाल के बनाऊँगी जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मम्मी ने यहाँ पे ये देखिए प्याज जला दिया है, ये देखिए पूरा काला काला हो गया है। और यहाँ पर है बैंगन भाजा, दाल और नीचे है इसमें भात। तो फिर फिलहाल तो मैं बना रही हूँ सब्जी, बस इसको ना अच्छे से ये जैसे फ्राई हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे ना राई का जो पाउडर है वो मैंने भिगा रखा है। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा अदरक घिस के और नमक, हल्दी, हरी मिर्च और फिर जो राई का जो भीगा हुआ पेस्ट है वो डाल के जो थोड़ा देर पका लूँगी, बस तैयार हो जाएगी मेरी सब्जी। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स गो। ये देखिए तानू ने मुझे इतनी सारी बिंदियाँ लगाई है, इतनी सारी, ये यहाँ बैठ के बिंदी निकाल रही है। तो ये शाम हो चुका था और आज है नरक चौदस, मतलब छोटी दिवाली। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने अभी तक लाइट नहीं लगाया था और अभी बजे है 5:30 बजने वाला है, लेकिन इधर ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कितना रात हो गया है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लगा रही हूँ लाइटें। वैसे ना लाइट मैंने एक बार लगाए थे लेकिन तानू ने उसको नोच के पूरा निकाल दिया लाइट, और फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे लगा रही हूँ वापस से लाइट, ताकि ना मतलब शाम हो गया ना, तो अब दिवाली है तो बिना लाइट के ना अजीब सा लगता है घर, तो ना इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे लगा लूँगी लाइट। और लाइट ना ये वाली लाइट है ना हमारी काफ़ी पुरानी लाइट है और अभी तक से यही लाइट चले, क्योंकि ना ये लाइट ना बहुत अच्छा है। और ये वैसे ना लाइटें जैसे छोटी छोटी लाइटें होती है ना तो ये ख़राब हो जाती है, लेकिन ये लाइटें अभी भी इसमें से ना बस दो ही लाइटें ख़राब हुई थी तो अभी भी चल रहा है। कम से कम ये लाइट को हमने ख़रीदे हुए 7 या 8 साल हो गया है और ये लाइटें ये देखिए अभी भी बहुत अच्छे से जल रहा। और तानू ना ऐसे दरवाजे के बाहर से हाथ निकाल के बार बार लाइट ख़राब कर रही थी। और फिर शाम हो गया था, गाइस मम्मी चला रही है यहाँ पे दिया बत्ती और तानू कर रही है मम्मी को परेशान। तो गाइस ये देखिए ये है चावल का आटा और इससे मैं बनाऊंगी रंगोली। बस यहाँ पे ना बस 14 का दिया जलाने के लिए मैं ऐसी मतलब ऑल्टर बच्चों जैसी रंगोली बना रही हूँ यहाँ पे। वैसे रंगोली मैं अभी लाई नहीं हूँ, चावल का आटा था तो मैं उसी से बना। एक्चुअली ना गांव में ना जब हम लोग छत्तीसगढ़ रहते मतलब जाते हैं तो वहाँ पे ना चावल के आटे के ना बहुत ज़्यादा रंगोली बनाया जाता है, तो मैंने ये चावल के आटे की रंगोली ना वहीं से बनाना सीखा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई और यहाँ पे फिर मम्मी कर रही है पूजा, मतलब ये छोटी दिवाली के दिए है। तो ये कहा जाता है ना कि छोटी दिवाली के दिन जो हम दिए जलाते हैं ना वो दिए हम एक्चुअली यम को दीपदान करने के लिए जलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने ऐसे बहुत बार सुना है मतलब बड़ों के मुंह से कि जो 14 का दिया होता है वो हम यम को दीप एक्चुअली यम को हम दीपदान करते हैं, तो इसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और बाकी और सबके अलग अलग नियम होते हैं, सब लोग अलग अलग मतलब सबके अलग अलग स्टोरियाँ हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है कि हम लोग ये दिया ना यम को दीपदान करने के लिए जलाते हैं। तो चलिए हो गया था हमारी छोटी दिवाली, अब मैं करूँगी दिया। गाइस ये देखिए मैं ना दिया कलर कर रही हूँ और ये दिया मैंने अपने घर के लिए रखा है। क्या कहते हैं, भाभी ने मुझे दिया था ये दिया कि तू इसे डेकोरेशन कर लेना अपने हिसाब से। और फिर मैं वहाँ से लाई भाभी लोग के यहाँ से और इसे अच्छे से मैंने कलर किया। अभी मुझे इस पर करना है थोड़ा सा डेकोरेशन, तो बस अभी मैंने कलर किया है, तो ये कलर ना जब सूख जाएगा फिर मैं करूँगी डेकोरेशन। कलर कैसे लग रहा है प्लीज़ आप बताना ज़रूर से। और फिर अभी मैं थोड़ी देर में अभी कलर सूख जाएगा फिर करती हूँ उसका डेकोरेशन।
तो गाइस मैंने दिए ना, मैंने चार दिए भाभी से लिए थे और उसे मैंने अपने हिसाब से कलर किए और उसे डेकोरेशन भी मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं दिन में ही डेकोरेशन कर देती लेकिन ना थोड़ा बहुत मुझे काम था और फिर मैं सो गई थी इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि ये दिए मैं कल के लिए दिवाली के लिए रेडी कर रही हूँ, तो ये दिए मैं ना मतलब अच्छे से डेकोरेशन करूँगी, देखती हूँ कितने अच्छे से कर पाती हूँ। बाकी कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और जो बड़ा वाला दिया आपको दिखाया ना मैंने लास्ट में, उस दिए का कलर तो मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि वो टू कलर में था तो वो कलर ना और ज़्यादा मतलब कलर कॉम्बिनेशन इसका ना बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ये दिए मैंने डेकोरेशन किया है और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा ये डेकोरेशन, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आधे घंटे से ना मैं बैठे बैठे यही कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ काम नहीं था और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने दिए को डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने बस कल के लिए मतलब लक्ष्मी पूजा के लिए ये चार दिए मैंने डेकोरेशन किए हैं। तो ना ये बड़ा वाला दिया ना मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत प्यारा लगा। और बाकी ये छोटे दिए भी ना बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और ये एक दिया है, इसे मैं मतलब इसे डेकोरेशन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये बस कलर करके ही अच्छा लग रहा है। बस जस्ट मैंने यहाँ बीच में एक स्टोन लगा दिया और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए मेरा मैंने चार दिए रेडी किए हैं और ये दिया सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा ये डेकोरेशन किया हुआ दिया कैसा लगा आपको। तो चलिए इसे जलाना है मुझे लक्ष्मी पूजा के दिन, तो इसीलिए ना मैं ना फटाफट से तैयार मतलब ये सारे दिए ना मैं रेडी कर ली हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना गाइस। मैं बना रही हूँ मैगी और मैं बहुत दिनों के बाद आज बना रही हूँ मैगी, और ये मैगी मैं भाभी लोग के घर पे बना रही हूँ क्योंकि मैगी खाएंगे मैं, पीटू और मानू और हमारे घर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य है वो खाएगी। बस ये देखिए प्याज ना थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो गया था, फिर मैं इसमें डाल दी टमाटर और हल्का सा मैंने डाला है नमक ताकि टमाटर जो है हमारा गल जाए, तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा टमाटर, आधा ही टमाटर डाला है मैंने क्योंकि ना मैगी में इतना ज़्यादा टमाटर भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने छोटे छोटे टमाटर कट करके डाल दिए, इसे थोड़ा सा गलने देते हैं। तो गाइस मैगी ना टमाटर मेरा अच्छा सा भुन चुका था और फिर मैंने इसमें डाले मैगी और मैगी का मसाला, और इसमें डाल देती हूँ मैं पानी। और इसे मैं बस थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये हमारा मैगी रेडी हो गया है और हम लोग खा रहे हैं मैगी। गाइस ये देखिए तानू ऐसे मैगी खा रही है और दोनों हाथ से खाने लगी, ये थोड़ी देर पहले चम्मच से खा रही थी उसके बाद इसने अपना बस बच्चों वाली अवतार दिखा दिया और ये खाने लग गई अपनी असली रूप में आ गई है। और ये देखिए हाथ से खा रही थी और जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया वो फिर से चम्मच से खाने लगी। तो ये है गाइस, ये है असली इसका रूप, बच्चे बड़े चालू होते हैं गाइस बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और काली माता के जैसे एक इतना लंबा जीभ निकाल रखी है। मैगी का पूरा मजा लेते हुए मेरी ये छोटी सी लड़की, ये देखिए गाइस ये है इसका असली अवतार, देखिए गाइस ये है इसका असली अवतार। और जैसे मैंने वीडियो ऑन करा ये इसने प्लेट अपना नीचे रख दिया और अभी तक ये अपनी असली रूप में ही खा रही थी, ये देखिए आई। मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू की सब्जी, आलू मेरे फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी घिसा हुआ अदरक टमाटर और हरी मिर्च और इसी के साथ ही डाल दूंगी नमक, ये है नमक हल्दी, ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और
मिक्सी कर लेनी है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी बजे है 9 बजने वाला है, जस्ट 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। तो आटा मेरा गूंथ चुका है, मम्मी ने आटा गूंथ भी दिया था, और बस मैं सब्जी में पानी डालूंगी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। आज का खाना, बस रात का खाना ना यही है, आलू और सोयाबीन की बड़ी और रोटी। अब बाकी आज है छोटी दिवाली, तो शाम को अब मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया कि हम कैसे करते हैं छोटी दिवाली में पूजा। एक्चुअली छोटी दिवाली में ना यम होते हैं, उनको दीपदान किया जाता है, तो इस वजह से हम लोग मतलब ना मैं जो वीडियो में दिखाई हूँ ना वैसी हम लोग मतलब शुरू से ना वैसी दिया जलाते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली आज है नरक चौदस, इसीलिए 14 दिए जल गए, और कल है बड़ी दिवाली, तो फिर मुझे बहुत सारे मतलब सामान वामान लाने हैं, तो मैं दिन में जाऊंगी। अभी शाम के टाइम में ना मन तो था कि मैं शाम को जाऊं, लेकिन ना फिर मेरा मन पता नहीं मन हट गया कि मैं छोड़ो कल दिन में ही जाऊंगी। और तो अभी खाना बनाती हूं, फिर वही तानू को खाना खिलाओ, खुद खाना खाओ, बर्तन भाड़े धो, बस यही काम है और कुछ नहीं है अभी। और तो फटाफट से बनाती हूँ खाना। ये मैंने डाल दिए बड़ी, और मैंने थोड़ा सा ही पानी था उसमें बड़ी में, तो उससे पानी सही से डाल दिया मैंने, निचोड़ा नहीं। और पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया है ना, यहाँ हम लोग बड़ी ना हल्का सा पहले तेल में ना एकदम मतलब आधे चम्मच तेल में ना बड़ी को पहले अच्छे से फ्राई करते हैं, फिर उसमें पानी डाल के ना उसे भिगाने के लिए छोड़ देते हैं। तो वैसे में ना बड़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, जो सोयाबीन के होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, इसीलिए हम लोग वैसे ही बनाते हैं। बाकी थोड़ा देर इसे और पकने देती हूँ मसालों के साथ, फिर इसमें डाल दूँगी पानी। तो फटाफट से बन जाना है अभी 5 मिनट में सब्जी, मतलब सॉरी 5 मिनट कह रही हूँ, 10 मिनट में सब्जी मेरी रेडी हो जाएगी। मैं सब्जी हो गया है, बस इसमें पानी डाल के थोड़ा देर और पका देती हूँ मैं। ढक्कन से कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी। सुबह की ना मतलब दिन की दाल है ये देखिए, तो ये दाल मैं गरम कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी खाती है ना दाल, तो मैं मम्मी के लिए गरम कर देती हूँ। और वैसे मेरी मम्मी ना आलू बहुत कम खाती है, मम्मी को शुगर है ना, इसीलिए मम्मी आलू चावल बहुत कम खाती है, बस हम लोग के चक्कर में उनको खाना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बिना आलू वाले सब्जियाँ खिलाओ उनको, और मतलब घर में तो हमारे 2-3 सब्जी तो रोज ही बनता है, तो कोई एक सब्जी ऐसा बनाती हूँ जिसमें आलू ना हो, लाइक दाल हो चाहे कोई भी सब्जी हो। तो आज वैसे दिन में जो भी खाना बना था ये परवल बना हुआ था और दाल बना था जिसमें आलू बिल्कुल नहीं था, तो ये दोनों सब्जियाँ बस मम्मी के भी काम आएंगे, और आलू और सोयाबीन जो बने हैं वो मैं और भाई खाएंगे। और तानू तो रात को बस दूध और रोटी खाती है, तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, पहले दाल गर्म करती हूँ, रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी जैसे बन जाती है फिर बनाती हूँ रोटी। चलिए काफ़ी गर्मी हो रहा है ना, 2-3 दिन से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि ये दिवाली है और ये नवंबर मतलब स्टार्ट होने वाला है, फिर भी गर्मी अजीब सी गर्मी हो रही है, पता नहीं बहुत ज़्यादा उमस ऐसा कुछ गर्मी हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठंड आता है यहाँ, वैसे बहुत ज़्यादा ठंड होता नहीं है, बहुत ही कम ठंड रहते हैं। तो गाइस मैं ना सब्जी बनाई थी, फिर ना मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि आप बना दो रोटी, तो यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी। और बस मैं ना अभी तानू के लिए रोटी दूध रोटी भिगा दी हूँ, 5 मिनट में उसे खाना खिलाती हूँ। तो चलिए फिर ये रही मम्मी बना रही है यहाँ पे रोटियाँ, गोल गोल प्यारे प्यारे से रोटी। तो गाइस रात हो चुकी है, रात के बजे हैं 11:15, और ये देखिए तानू को नींद
बहुत जल्दी आ गई है, ये बहुत गहरी नींद में है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जो भी नए हो चैनल पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ एडवांस हैप्पी दिवाली, बाय बाय।